क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को उसके अंतिम चरण में जाकर साबोटाज किया जा रहा है? राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ आखिर कौन खिलवाड़ कर रहा है? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो जो है डाला है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और कांग्रेस का यह दावा है कि यहां पर पुलिस पूरी तरह से नदारद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सफेद टी शर्ट में ये जो लोग घूम रहे हैं, और इन सफेद टी शर्ट्स के पीछे आप देख सकते हैं राहुल गांधी की तस्वीर है, भारत जोड़ो यात्रा लिखी हुई है। दरअसल ये लोग राहुल गांधी को सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बकौल सुप्रिया श्रीनेत पुलिस पूरी तरह से नदारद थी। ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, बहुत ही खौफनाक वीडियो है, क्योंकि अगर कश्मीर जैसी जगह पर जहां पर आतंकवाद जो है वो कंट्रोल में नहीं है, जहां पर हाल ही में जम्मू में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, वो कश्मीर जहां 1990 की दशक के बाद पहली बार एक बार फिर कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, अगर वहां पर राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ होगा तो वाकई शॉकिंग तस्वीर है ये। बड़ा प्रश्न ये कि क्या राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सरकार जो है वो गंभीरता से विचार नहीं कर रही है? क्योंकि ये ना भूलें दोस्तों कि राहुल गांधी दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर भी पुलिस को जिस तरह की सुरक्षा उन्हें देनी चाहिए थी वो नहीं देती है। वो वीडियो आपके सामने मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये है दिल्ली का वीडियो दोस्तों, और आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ दोनों तरफ आ रही है और पुलिस लगभग नदारद है। पुलिस को कायदे से यहां पर भी राहुल को सुरक्षा देनी चाहिए थी, मगर पुलिस गायब थी। अब यह वीडियो सामने उभर कर आया है, कितना शॉकिंग वीडियो है दोस्तों ये। और अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, अचानक एक जगह तमाम जो कार्यकर्ता हैं राहुल गांधी के वो रुक गए हैं, उन्होंने घेरा बना लिया राहुल गांधी के आसपास ताकि उन्हें किसी तरह का कोई खतरा ना हो। हालांकि सोच के भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि अगर यहां पर राहुल गांधी की जान को खतरा होता तो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं अपनी नेता के लिए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि गोदी मीडिया किस तरह का कवरेज कर रहा है। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार, जिस पर दंगा भड़काने को लेकर आरोप है, पुलिस केस दर्ज है, वो क्या कह रहा है? पहले लाल चौक नहीं जाना, अब सुरक्षा का बहाना। पहले लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराने की बात करी और अब कश्मीर में क्या कांग्रेस पार्टी यात्रा से बचना चाह रही है? और क्या अब यात्रा ना निकालने के सुरक्षा को बहाना बनाया जा रहा है? वीडियो आपके सामने है, उस वीडियो में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि पुलिस नदारद है, मगर यह सरकारी चाटुकार मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार, जिस पर दंगा भड़काने को लेकर बाकायदा केस दर्ज है, वो दोष राहुल गांधी पर बढ़ रहा है। यह दूसरा कार्यक्रम देखिए, कश्मीर में यात्रा नहीं निकालेंगे राहुल गांधी। आप जानते हैं कि आज भी उनकी यात्रा निकली। अब तक जो खबर आ रही है, जब मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वहां पर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है, कोई चिंताजनक बात उभर कर नहीं आई है, मगर जैसे कि आप देख सकते हैं बाकायदा सुपारी लेकर इनका मीडिया कल प्राइम टाइम में उतर गया था। और सिर्फ इस दंगाई पत्रकार की बात नहीं है दोस्तों, इस तरह की कवरेज कई प्राइम टाइम न्यूज एंकर्स ने कल किया, जिसमें निशाने पर राहुल गांधी थे। सरकार से सवाल नहीं पूछा गया। वो जम्मू कश्मीर जहां का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से भाजपा के हाथ में है, उनसे सवाल नहीं पूछा गया कि आखिर पुलिस नदारद क्यों थी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने अपनी इस आपबीती के बारे में पत्रकारों को बयां किया और उन्होंने कहा कि उनकी जो सुरक्षा एजेंसीज थी उनके मशवरे पर उन्हें यात्रा उसी वक्त रोकनी पड़ी। हालांकि बाकी जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने 16 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी की। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
आज काफ़ी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ टनल के बाद। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो थे राहुल गांधी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने कहा कि जो हो रहा था वो शॉकिंग था। सबसे बड़ी बात, आखिर इस तरह की ढिलाई कैसे बरती जा सकती है, कांग्रेस से सवाल उठा रही है। क्या कह रहे हैं जयराम रमेश, आइए सुनते हैं। आज जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अभी अभी राहुल जी की सिक्योरिटी टीम और प्रशासन के बीच में बातचीत चल रही है ताकि ये कल ये दोहराया नहीं जाएगा, और परसों भी जो यात्रा है उसमें भी ये परेशानी हमें इसकी सामना करना नहीं पड़ेगी। और मैं आपको दिखला चुका हूं कि इनका पालतू मीडिया सरकार से सवाल पूछने के बजाय सीधे राहुल गांधी पर हमला बोल रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये पत्रकारिता है? क्या ये सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हाथों सुपारी लेकर विपक्ष पर निशाना साधने की कार्रवाई नहीं है तो क्या है? और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, जब राहुल गांधी जम्मू में थे और उसी वक्त एक बड़ा आतंकवादी हमला होता है उनकी यात्रा से ठीक पहले, और उसी वक्त कांग्रेस के नेताओं ने चिंता जाहिर की थी, यानी कि चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी, मगर शायद सरकार ने या बीजेपी प्रशासन ने उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की। स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने जो चिंता जाहिर की थी अब से कुछ दिनों पहले, जो एक भविष्यवाणी के तौर पर थी, वो क्या कहा गया था आप खुद सुनिए। दो हादसे हुए जम्मू शहर में, आप जानते हैं कि बम ब्लास्ट हुए एक के बाद एक, और एक बुजालता में भी हमने एक ब्लास्ट देखा, आईडी टाइमर ब्लास्ट था। और ये गंभीर चिंता की बात है कि इतनी हाई सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद भी आतंकवादियों ने जम्मू शहर में, ये दूसरी वारदात है कि सिद्रा में ही, यहाँ कल राहुल जी को रात को कैंप पर रुकना है, वहाँ पिछले दिनों चार आतंकवादी जो है वो एनकाउंटर हुआ, और इस दौरान जबकि यात्रा यहाँ है और उसके नज़दीक ही कल दो ब्लास्ट होना, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, चिंता का विषय है। हम मानते हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट है, सिक्योरिटी एजेंसीज अपना अच्छे तरह से काम करते हैं, लेकिन ये जो दावे हैं कि पिछले दिनों एनकाउंटर होना इसी इलाके में, शहर में, और डांगरी में इतनी बड़ी हत्या होना, वो निर्मम हत्याएं, और उसके बाद सरकार के वो दावे कि हमने जम्मू में आतंकवाद का खात्मा कर दिया, आपको पता है 31 दिसंबर को ये दावे किए गए और 1 जनवरी को ही वहाँ निर्मम हत्याएं की गई माइनॉरिटी कम्युनिटी की। तो कल भी जो हुआ गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ते हैं। दोस्तों, ये वो राहुल गांधी हैं जिनके पिता राजीव गांधी को LTTE के आतंकवादियों ने एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट में मौत के घाट उतार दिया था। ये वो राहुल गांधी हैं जिनकी दादी इंदिरा गांधी को उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स ने खालिस्तान के नाम पर मौत के घाट उतार दिया था। ये वो राहुल गांधी हैं जिनके चाचा संजय गांधी एक क्रैश में मारे जाते हैं, और वो भी कई रहस्यों में घिरी हुई मौत थी। कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी के परिवार का एक इतिहास है जहां उनके पिता और उनकी दादी ने शहादत दी, और उसी तरह से उनकी जान को भी खतरा लगातार बताया जाता रहा है।
बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार इस तरह की ढिलाई बरत सकती है जो कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर से ये वीडियो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को देखिए और इसमें आपको पता चलेगा कि दरअसल किस तरह की कोताही बरती गई है। अब मैं खामोश रहूंगा दोस्तों, करीब 50 सेकंड का यह वीडियो है, आप यह पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि मामला दरअसल कितना गंभीर था, क्योंकि वहां पर जो अफरा तफरी है ना उस वीडियो से उभरती आवाजों से आपको पता चलेगा। देखते हैं वीडियो। लड़के पकड़ के चल रहे हैं ना ये, वीडियो बना, वीडियो इनका बना था, पुलिस का है, सारे हमारे लड़के स्टैंडिंग। चल कोई नहीं यार, बाहर से बनाने का अंदर से कोई नहीं, बना ले बना। तो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक मंजर है दोस्तों। बड़ा प्रश्न ये कि क्या ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को साबोटाज करने की एक साजिश थी? बड़ा प्रश्न ये भी कि क्या राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है? और उससे भी बड़ा प्रश्न कि गोदी मीडिया इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की बजाय राहुल गांधी पर ही क्यों निशाना साध रही है? इसलिए मैंने हर बार अपने कार्यक्रमों में कहा है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ते हैं तो कई तरह की चुनौतियां होती हैं दोस्तों, और उसी चुनौती का सामना कांग्रेस में राहुल गांधी जैसे नेता करते हैं, क्योंकि जो पूरा प्रचार तंत्र होता है यानी कि भाजपा का प्रचार तंत्र, वो तो आपके खिलाफ झूठ फैलाता ही है। इनका जो मीडिया है दोस्तों वो भी उसमें मदद करता है बार बार उस झूठ को फैलाने के लिए। और आपने एक बात पर गौर किया होगा, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है तब से लेकर अब तलक झूठ के सहारे उन पर निशाना साधा गया है, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे अमित मालवीय हो, चाहे पार्टी के बड़े बड़े नेता हो, उन्होंने बार बार झूठ का इस्तेमाल किया राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए। यह बार बार किया गया है, क्यों? बड़ा प्रश्न ये कि क्या राजनीति में शुचिता नाम की कोई जगह नहीं है? क्या राजनीति में साफ सुथरा संवाद नहीं हो सकता? क्या राजनीति में बढ़त बनाने के लिए झूठ का सहारा ही लिया जाएगा? क्या झूठ का सहारा ही भाजपा के लिए जीत का मंत्र है? ये तमाम प्रश्न हैं जिससे भाजपा के नेता बच नहीं सकते। और एक बार फिर वो दो अहम सवाल कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सैबोटाज कौन कर रहा है और उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसके कहने पर की जा रही है? बोल किला आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।